मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 दिन के लिए गंगानगर के दौरे पर हैं। शुक्रवार को राजे ने कार्यकर्ताओं से जन संवाद किया। इस दौरान विकास कार्यों की लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इन दिनों प्रदेश में लगातार दौरों पर हैं। 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजे ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर आम जन से मुलाकात कर रही हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया जा रहा है। इन दिनों राजे गंगानगर में 3 दिन के दौरों पर हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की। इसी दौरान यहाँ लगाए गए विकास कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर राजे ने कहा कि समस्याओं को जानने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। देखिए, ये मैंने आपको मालूम है, ये पहले भी हो चुका है, नई बात नहीं है, परंतु कोशिश हमारी ये है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का मौका। और बूथ का नाम इसलिए मैं लेती हूँ क्योंकि वहाँ के अगर 10 आदमी भी आ जाते हैं तो बूथ तक बात पहुँचती भी है और बूथ की बात हम तक पहुँचती है। बेसिक आइडिया ये है कि देयर शुड बी अ कनेक्शन मुख्यमंत्री से बूथ तक। एंड साथ में काम नहीं हुए हैं तो कारण क्या है, और अगर उनको हो सकते हैं जल्दी करा सकते हैं तो उसको वहीं के वहीं तय करके और कराने का काम जी। मैं समझती हूँ कि इसका फायदा लोगों को है क्योंकि उनको लगता है कि कोई केयर करता है। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री गंगानगर जिले के 3 दिवसीय दौरे में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया। राजे के निर्देश पर श्री गंगानगर जिला परिषद के CEO विश्राम मीणा, राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर प्रेमा राम परमार एवं जिला शिक्षा अधिकारी तेज सिंह को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया।